दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 12 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत से पहले आज की तारीख में इस शानदार टूर्नामेंट के रिगार्डिंग हमें ICC और BCCI की तरफ से दो तीन बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिले हैं। वही दूसरी तरफ BCCI ने अपने नए प्रेसिडेंट और सौरव गांगुली की नई पोस्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर। जी हां, यह शानदार टूर्नामेंट हमें 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया के 7 स्टेडियम्स में देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार यह टूर्नामेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले आज की तारीख में इस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग 3-4 बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है टीम इंडिया के सेकंड प्रैक्टिस मैच को लेकर। जी आप सभी को बताएगी, फिलहाल भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया जा चुकी, वहां पर जाने के बाद टीम इंडिया अपने पहला प्रैक्टिस मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ खेला था। वहां पर भारतीय टीम ने काफी रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज की थी, लेकिन आपके विराट कोहली और KL राहुल दोनों खिलाड़ी हमें वहां पर रेस्ट करते हुए नजर आए थे। लेकिन दोस्तों आज यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि भारत और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम एक और T20 प्रैक्टिस मैच खेलने वाली है। भारतीय समय अनुसार दोपहर 11 बजे या फिर 1:30 बजे मैच की शुरुआत होगी। अभी तक यहां पर कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों यह महामुकाबले में डेफिनेटली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के यूट्यूब चैनल पर लाइव देखने को मिलने वाला है और इस महामुकाबले में डेफिनेटली विराट कोहली और KL राहुल दोनों खिलाड़ी हमें भारत के प्लेइंग 11 में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है टीम इंडिया के स्क्वाड्स को लेकर, जहां पर भाई आप सभी को बताएगी भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान काफी टाइम पहले हो चुका था, लेकिन जसप्रीत बुमराह यहां पर T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ही बैक इंजरी की वजह से पूरे के पूरे टूर्नामेंट से रूल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक पर BCCI ने उनकी ऑफिशियल रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट नहीं की थी। दो खिलाड़ियों के नाम यहां पर निकल कर आए थे, जाफरवाई के मोहम्मद शमी और दीपक चहर दो खिलाड़ियों के नाम थे और दोनों खिलाड़ी फिलहाल NCA यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में थे और भाई कल यहां पर फाइनली NCA ने BCCI को इन दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट उनके हाथों में थमा दी, जहां पर मोहम्मद शमी अपनी इंजरी से बिल्कुल पूरी तरह से टोटली रिकवर हो चुके हैं और डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर हमें टीम इंडिया के मेन स्क्वाड्स में शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ दीपक चहर के T20 वर्ल्ड कप 2022 में पार्टिसिपेशन पर अभी भी बहुत ही बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान की टीम को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान फैंस के लिए खुशखबरी भी है। जी हां, आप सभी को बताना चाहूंगा कि शाहीन साफरी जो पिछले काफी लंबे टाइम से लगातार पाकिस्तान की टीम से बाहर चल रहे थे इंजरी की वजह से बाहर थे, अपनी इंजरी से पूरी तरह से टोटली रिकवर हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 के हर महामुकाबले में पार्टिसिपेट करने के लिए अवेलेबल रहने वाले पाकिस्तान की टीम के जो प्रैक्टिस मैचेस होने वाले हैं उन महामुकाबलों में प्लेइंग 11 में सेलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, जिसके चलते वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया 2022 को लेकर। फाइनली अफ्रीका का भारत दौरा खत्म हो चुका है, जहां पर भारत और अफ्रीका ने 6 मैचों की सीरीज के लिए 3 वनडे मैच के लिए 3 T20 मैच के लिए और दोनों ही सीरीजों में टीम इंडिया ने काफी रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज की। वनडे सीरीज में शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम चैंपियन बनी, वही T20 सीरीज में रोहित शर्मा की कैप्टनशिप के अंदर भारतीय टीम ने जीत दर्ज की और ऐसे में यहां पर दोनों ही सीरीजों में जीत दर्ज करके भारतीय टीम ने काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। इसी बीच दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ICC ODI चैंपियनशिप फिलहाल ICC ने चला रखी है उसकी जो पॉइंट टेबल उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर
पर पॉइंट टेबल में भारतीय टीम टॉप पर आ गई। और भाई कहीं ना कहीं हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए, बीसीसीआई के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है बीसीसीआई के अनाउंसमेंट को लेकर। जी आप सभी को बताइए, कल बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग से जस्ट पहले कर जॉइंट मीटिंग हुई थी, जहां पर बीसीसीआई ने काफी कुछ डिस्कशन किया, जहां पर सबसे मेन अहम मुद्दा रहा बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट को लेकर। जी हां, आपको पता है कि भाई सौरव गांगुली पोस्ट से हटा दी गई, ऐसे में कौन होगा यहां पर बीसीसीआई का नया प्रेसिडेंट, बड़ा सवाल होने वाला था। लेकिन दोस्तों कल यहां पर बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि बीसीसीआई का अपकमिंग प्रेसिडेंट यहां पर रुजेश बिन्नी बनने वाले। वही दूसरी तरफ को बताना चाहूंगा कि सौरव गांगुली को आईपीएल का चेयरमैन बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस पोस्ट में बैठने से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर लिंक कार बोल दिया था। और उसके अलावा भी आपको बताना चाहूंगा कि बीसीसीआई की तरफ से ऐसे रिपोर्ट्स देखने को मिली थी कि सौरव गांगुली हमें आईसीसी के चेयरमैन के पद पर देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा भी सभी पोस्ट की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसकी सभी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2023 को लेकर। जी हाँ, बीसीसीआई और आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमें फिलहाल पूरी तरह से जोरों शोरों से आईपीएल 2023 की नीलामी के लिए अपनी तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि भी आपको पता है कि अब की बार मिनियक्शन होंगे, सभी टीमें स्क्वाड्स पर काम कर रही है, सभी टीमों को आने वाले कुछ टाइम अपने रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी। लेकिन दोस्तों इसी बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो को लेकर। जी हाँ, आने वाले कुछ दिनों के अंदर, जी हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2022 में हमें ट्रेड विंडो शुरू होती हुई नजर आने वाली, जहां पर अब की बार आईपीएल 2023 की शुरुआत से पहले, नीलामी से पहले ही हमें काफी सारे ट्रेड देखने को मिलने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ड्राफ्ट प्रोसेस भी हमें यहां पर देखने को मिल सकता है, जहां पर टीमों में डायरेक्ट खिलाड़ियों की एंट्री हो सकती है। यहां पर दोस्तों इसके ऊपर हमें बीसीसीआई की तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी फर्दर अपडेट देखने को मिलता है, किसी भी टाइप का कोई भी नया अपडेट देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है वुमेन्स आईपीएल 2023 को लेकर। जी हां, इससे कुछ टाइम पहले बीसीसीआई ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की थी, जहां पर बीसीसीआई ने ऐसा बोल दिया था कि अगले साल से यानी साल 2023 से वुमेन्स आईपीएल की शुरुआत होने के लिए जा रही है, जहां पर अर्ली 2023 में हमें वुमेन्स आईपीएल का फर्स्ट सीजन देखने को मिलने वाला है। 6 टीमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी मिड ऑफ नवंबर 2022 में। इस टूर्नामेंट के लिए टीमों का ऑक्शन होने वाला है, जहां पर बीसीसीआई के पास करोड़ों रुपए की बरसात होगी। उसके बाद हमें यहां पर वुमेन्स आईपीएल की नीलामी देखने को मिलेगी, जहां पर भाई सभी टीमें काफी सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी को खरीदती हुई नजर आने वाली है। और उसके बाद भाई यहां पर जैसे ही हमें पूरा का पूरा शेड्यूल, पूरी की पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आज 12 अक्टूबर 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के स्टूडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके ट्रेंड इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।